भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जहां आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेजी से किया जा रहा है, तो वहीं राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी इस ओर आगे बढ़कर अपने कार्यों को किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा का चुनाव संपन्न कराया जाएगा, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां मंथन करने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले आगे बढ़कर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चलें कि मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा की ग्राम पंचायत नानपुर में बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगीना सांसद गिरीश चंद्र एडवोकेट के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। जैसे ही इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे, वैसे ही सभी मुख्य अतिथियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मंच पर पहुंचते ही सांसद गिरीश चंद्र एडवोकेट द्वारा कुंदरकी विधानसभा सीट से हाजी चांद बाबू मलिक के नाम का ऐलान कर दिया गया, जिसको लेकर उनके समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस कार्यकर्ता सम्मेलन की सबसे बड़ी खासियत ये भी रही कि बसपा के मंच से जहां प्रत्याशी का ऐलान किया गया, तो वहीं हिंदू मुस्लिम एकता का भी संदेश दिया गया। बहुजन समाज पार्टी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र की बहुजन समाज पार्टी द्वारा सम्मेलन में हजारों लोगों के पहुंचने की उम्मीद को जाहिर किया गया था, लेकिन लोगों की कम संख्या के कारण कार्यकर्ताओं की मायूसी भी साफ झलक रही थी। मंच के माध्यम से कुंदरकी विधानसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा करते हुए सांसद गिरीश चंद्र एडवोकेट द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा गया, लोगों में आपस में खून खराब ना हो जाए, पूरा देश चिंतित था। अरुणा बहन कुमारी मैत्री ने फैसला आने से पहले केंद्र की सरकार को चिट्ठी लिखी और कहा उत्तर प्रदेश में जो होता है राम मंदिर का फैसला आना है, मुझे आंदोलन चलाने की जरूरत है, अभी भिजवाने का काम करो। लेके साथियों, देने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मैत्री ने कहा कोई बात नहीं, पूरे प्रदेश में साथियों, उत्तर प्रदेश के अलावा जो और प्रदेश थे, उस प्रदेश के बाजार बंद हुए, स्कूल बंद हुए, लोगों का आवागमन बंद हुआ, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मैत्री ने कहा अरे चाहे पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में सारा प्रदेश बंद हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो छोटा बच्चा है वो भी स्कूल जाने का काम करेगा, ऐसी व्यवस्था करने का काम करूंगी। साथियों, उन्होंने पूरे प्रदेश से जीएमएसटी को बुलाकर कहा फैसला किसी के पक्ष में आए, ये कौन का मामला है, हमारी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बरकरार रहनी चाहिए, किसी का खून खराबा नहीं होना चाहिए। साथियों, फैसला आया और फैसला आने के बाद पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई झगड़ा साथियों उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, इसे कहते हैं साथियों कानून के द्वारा कानून का राज। वहीं कुंदरकी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए हाजी चांद बाबू मलिक द्वारा बहुजन समाज पार्टी का एवं क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा गया, साथियों आज तक के विधानसभा के इतिहास में किसी राष्ट्रीय लेवल पार्टी ने किसी बीसी समाज के एक व्यक्ति को भी टिकट नहीं दिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी ने इस बार मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। साथियों, मैं फैसला आपके हाथों में है, मैं खासकर सब समाज के लोगों के साथ साथ अपने मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, सब एक हो जाओ, इस कुंदरकी विधानसभा को चोर और डकैतों से आजाद करा लो। आपके किचन शराब से आज साबित कर दिया है कि कुंदरकी विधानसभा आने वाला विधायक बहुजन समाज पार्टी का होगा। मैं अपने नेतागणों को, खासकर माननीय राइन साहब को और माननीय सांसद जी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि कुंदरकी विधानसभा सीट लगभग 40 से 50 हजार वोटों से हम जीतेंगे। आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का होगा। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। मैं आपका भाई, आपका बेटा, जैसे अभी मंच पर उपस्थित है, सब लोगों से मेरी अपील है, भैया सब लोग जिस दिन वोट पड़े ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और अपने छोटे भाई को समझकर या अपना बेटा समझकर ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में बसपा कार्यकर्ता एवं हाजी चांद बाबू मलिक के समर्थक मौजूद रहे।